वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद प्रॉपर क्लासेस चलती रहेंगी क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी क्लासेस की। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये नंबर लाइन आप जो देख रहे हैं इस पर हर तरह का नंबर होता है, ये आप लोगों को पता है, क्लास 8 तक आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग जीरो से शुरू करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन, इस तरफ। तो इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमको इस तरह का नंबर मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, और जहाँ तक आप चलेंगे वहाँ तक नंबर ही नंबर मिलेगा। तो इस तरह का सभी नंबर जो नेचुरल नंबर है इसको कलेक्ट कर लेंगे हम और इस बैग में डाल देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, है ना, 5001, 9000, इस तरह का सारा नंबर कलेक्ट करके हम लोग इस बैग में डालेंगे और ये कलेक्शन हो गया नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर को हम लोग सिंबल कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर का कलेक्शन इस बैग के अंदर। अब चलिए वापस आते हैं, बहुत दूर चले गए थे, अब वापस आते हैं। वापस आके हम लोग क्या करेंगे, अब ये ज़ीरो जो है उसको भी उठा लेंगे और इस बैग में डाल देंगे, ठीक है। अब ये कलेक्शन हो गया होल नंबर्स का और होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, ठीक है। अब इसके बाद आप जब वापस आए और ज़ीरो को यहाँ डाल दिए, उसके बाद आप सामने देखेंगे नेगेटिव नंबर्स है, बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक नेगेटिव नंबर्स ही नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सारा नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, ये आप लोगों को पता है। तो इन सभी नंबर्स को भी हम लोग इस बैग में डाल देते हैं, -1, -2, -3, -9, -5001, इस तरह का सारा नंबर हमने कलेक्ट करके इस बैग में डाल दिया। अब ये जो बैग के अंदर कलेक्शन हो गया नंबर्स का, ये कहलाता है इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जेड क्यों, जेड आया है जर्मन वर्ड जैलिन से, ठीक है, और जिसका मतलब होता है टू काउंट, और जैल का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। तो ये सारा नंबर का कलेक्शन जेड से रिप्रेजेंट होता है, ये आप क्लियर हो गया। उसके बाद इस नंबर लाइन पे और कौन कौन सा नंबर रह गया, ठीक है, इस नंबर लाइन पे और भी बहुत सारा नंबर रह गया, जैसे कि 1/2, 1/4, -1/3, ठीक है, या फिर 5/7, 6/11, इस तरह का बहुत सारा नंबर रह गया। इन सभी नंबर्स को भी हम लोग इसमें अब कलेक्ट करके डाल देंगे, जैसे -1/3, 6/11, 5/7, -3000/83, इस तरह का जो नंबर्स है इसको भी कलेक्ट करके हम लोग इसमें डालेंगे। अब ये नंबर्स का कलेक्शन हो गया किसका, रेशनल का, ठीक है, रेशनल नंबर का ये कलेक्शन कहलाएगा। और रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर क्यू से, ठीक है। क्यू क्यों, क्यू का मतलब होता है, क्यू आया है वर्ड कुसेंट से, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम लोग किसी भी नंबर को, जैसे कि यहाँ है 1/2, ठीक है, इस तरह का नंबर रेशनल नंबर होता है। अब 1 को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 क्या आता है, कोशेंट, ठीक है, तो इसीलिए क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू कोशेंट से आया है, ठीक है। और रेशनल जो वर्ड है वो आया है रेशियो से, ठीक है। अब रेशनल नंबर का डिफिनेशन आप लोग पहले से जानते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ए नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है
रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्लास नाइन्थ में आपके बुक में दिया गया है। 5/2 एक रेशनल नंबर है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से करेंगे 5, 2 जा 10, 2, 2 जा 4। उसी तरह 3 से कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 15/6। 4 से करेंगे 20/8। इसी तरह हम जितना से मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से। तो हमें जो नंबर मिलेगा, जैसे कि ये था, अब ये सारा जो नंबर मिला ये इक्विवेलेंट है इसका, ठीक है, सारा ये नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो होता है वो हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाएंगे। जैसे अगर हमको देगा इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/2 ही होगा और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस नंबर लाइन के ऊपर। तो इनमें से कोई भी नंबर होगा ना, उसका रिप्रेजेंटेशन एक ही पॉइंट पे होगा। यानी जितना भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है सबको हम लोग नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। जैसे कि ये नंबर है, इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा, 5/2, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 5/2, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिएगा ये भी 5/2 ही होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन भी वहीं पे होगा। तो जितना भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा सबका रिप्रेजेंटेशन सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे होता है। तो इसीलिए हमको जब कहा जाता है कि किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने नंबर लाइन के ऊपर, तो हम लोग सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। जैसे कि ये वाला था, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर। जैसे 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, 1 से ही ये दोनों डिवाइड हो सकता है। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया और उसके बाद अब रिप्रेजेंट कर देंगे। तो रेशनल नंबर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के और उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। आज ये पहला क्लास था नंबर सिस्टम का और आगे के क्लासेस में हम लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।